नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विश्व कप 2021 की भारतीय टीम में यजवेंद्र चहल का चयन नहीं हुआ था, जिसका खामियाजा भारत को पहले दौर से बाहर होकर भुगतना पड़ा। वहीं पर जब भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, साथ में 3 रिजर्व प्लेयर के तौर पर खिलाड़ियों का चयन किया जिसमें यजवेंद्र चहल का नाम नहीं था, तो तमाम दिग्गजों ने इस फैसले पर सवाल उठाया था और सिलेक्टर से जवाब मांगा था कि आखिर लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल टीम में क्यों नहीं है। आखिर वो प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए T20 क्रिकेट इतिहास में लिए हैं, वो क्यों नहीं था विश्व कप में। हालांकि इसका जवाब कोई भी नहीं दे सका, लेकिन विश्व कप में इसका जवाब मिला जब भारत के किसी भी स्पिनर ने कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ना यजवेंद्र चहल की जगह शामिल किए गए राहुल चहर कुछ कर पाए, ना ही मिस्ट्री के नाम पर हौवा बनाकर वरुण चक्रवर्ती को ले गया और वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। विश्व कप में एक भी विकेट दोनों खिलाड़ियों के नाम नहीं रहा। ऐसे में अब पहली बार यजवेंद्र चहल ने इस पूरे मामले में अपनी खुलकर बात रखी है और उन्होंने कहा है कि क्यों उनको विश्व कप में शामिल नहीं किया गया, ये उन्हें भी नहीं पता है। यजवेंद्र चहल को लगता है कि 4 साल तक मुझे टीम में खिलाया और मैं लगातार जितना हो सकता था उतना बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में मुझे बाहर कर दिया गया, ये मेरी समझ से परे है। यजवेंद्र चहल ने अपने बयान में कहा, मैं पिछले 4 साल में ड्रॉप नहीं हुआ और उसके बाद एकदम से इतने बड़े इवेंट के लिए मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैं 2 से 3 दिन एकदम डाउन था, लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि IPL का दूसरा लेग बस आने ही वाला है। मैं अपने कोच के पास गया और उनसे काफ़ी बातचीत की। मेरी वाइफ और फैमिली ने मेरा हौसला लगातार बढ़ाया। मेरे फैंस ने लगातार मोटिवेशनल पोस्ट शेयर किए जिसने मुझे ताकत दी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बैक करूंगा और इसी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलूंगा मैं लंबे समय तक ऐसे नाराज नहीं रह सकता था क्योंकि इससे मेरी IPL फॉर्म पर असर पड़ता। यजवेंद्र चहल का ये बयान बताता है कि विश्व कप की टीम में जब उनका चयन नहीं हुआ तो वो किस कदर टूट गए थे। हालांकि यजवेंद्र चहल ने ये चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने दी और RCB के लिए उन्होंने दूसरे फेज में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और दुबई में दूसरे फेज में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यजवेंद्र चहल ही रहे थे, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि टीम में परिवर्तन कीजिए और चहल को टीम में शामिल कीजिए, लेकिन BCCI और सिलेक्टर्स ने एक भी ना सुनी और उसका खामियाजा भारत को विश्व कप हार कर चुकाना पड़ा। फिलहाल चहल के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।